भगवान शनि का प्रकोप भी अगर आपके ऊपर चल रहा है तो हम आपको समस्या का समाधान बताएंगे, किस तरह से शनि की दृष्टि को कम किया जाए और भगवान शनि देव को किस तरह से खुश कर उनकी कृपा अपने ऊपर कराई जाए, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक क्यों जलाया जाता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पीपल के पेड़ की मान्यता क्या है और शनि को कैसे खुश किया जाए, यह हम आपको बता रहे हैं। गोविंद महाराज, तो शनि महाराज की कोई आ रही है और तुम्हारी देवी माता की। देखो, पीपल के नीचे भगवान शनि का वास होता है और इस पर 33 कोट के देवी देवता विराजमान होते हैं और इसके नीचे दीपक जलाने से भगवान खुश होते हैं और घर में उजाला होता है। किसी के घर में दुख संकट जैसे आ जाते हैं तो उसको उजाला कर देते हैं भगवान और उनकी दृष्टि को शांत करने के लिए जैसे उन पर साढ़े साथी लग जाती है, ढैया लग जाती है उनकी, समझे। उस वजह से जैसे उनकी ढैया लग जाती है तो उसमें क्या क्या उपाय हैं उसके उसके बारे में तुमको बताएंगे। देखो, जैसे आप पर ढैया लग गई तो आप उपाय करिए, शनि महाराज को काली उर्द, एक काला कपड़ा, एक चोवा, तेल, शनि महाराज की दृष्टि की तरफ नहीं देखना है आपको। आप दृष्टि की तरफ देखोगे तो फिर उनकी दृष्टि में आ जाओगे। केवल शीश झुकाकर उनके चरणों में और जब उनके ऊपर तेल और जो फूल तेल जो भी आप लेके आए हो वो अर्पण करना है भगवान को और इसमें चना चनौरी गुड़ इनका भोग लगाना है शनि महाराज को। और जैसे आप ज्यादा ही सारे साथी लग गई है तो आपको छोटे छोटे बच्चे उनको अति प्रिय हैं, शनि महाराज की जो प्रिय है छोटे छोटे बच्चे, चेटा चेंटी, काला भैंसा हो, काला बिजार हो, महिंदलाली, अरे काला कुत्ता हो, इससे क्या है इनको खाना खिलाने से भगवान शनि को स्वयं प्राप्त होता है, यानी उससे खुश हो जाते हैं। जितना आप उसके लिए करोगे उतना ही आपको फल देते चले जाएंगे। आप देखो उसके लिए क्या है कि जैसे आप पे ज्यादा ही संकट आ रहा है तो दीपक जलाना चाहिए शाम को या सुबह, और उससे क्या है आपके संकट दूर होंगे, इससे भगवान खुश होते हैं, इसी के नीचे विराजमान होते हैं भगवान शनि महाराज और ये सभी संकटों को हर लेते हैं। इसका महत्व बहुत कर रहा है।